12 साल 36 केस। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने अप्रैल 2010 में अपराध की दुनिया में एक कदम रखा था। नमस्कार, पंजाब केसरी देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ शुभिता। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई एक ऐसा नाम बन गया है जो कि जुर्म की दुनिया का फिलहाल बेताज राजा माना जा रहा है। बिश्नोई अब पंजाब पुलिस की हिरासत में है। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड को लेकर पंजाब पुलिस उससे पूछताछ भी कर रही है। लॉरेंस को मामले में पूछताछ के लिए दिल्ली के तिहाड़ जेल से पंजाब लाया गया है। चर्चा ये भी है कि लॉरेंस बिश्नोई पुलिस के सामने बड़े खुलासे कर सकता है। ऐसे में सभी की निगाहें अब इस मामले पर टिकी हुई हैं। इसी के साथ आज हम आपको बताते हैं कि कैसे लॉरेंस बिश्नोई ने अपराध की दुनिया में कदम रखा। 12 साल 36 केस। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने अप्रैल 2010 में अपराध की दुनिया में एक कदम रखा था। इसके बाद वो तेजी से अपराध करने लगा। महज 12 साल में लॉरेंस के खिलाफ 5 राज्यों में 36 मामले दर्ज किए गए। इनमें से 9 मामले में वो बरी हो चुका है। वो 6 मामलों में दोषी करार कर दिया गया। कोर्ट 21 मामलों की सुनवाई कर रहा है। मामला दर्ज होने के बाद लॉरेंस की दहशत पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, चंडीगढ़ और दिल्ली में फैल गई। पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या के मामले में तिहाड़ जेल में बंद लॉरेंस को पंजाब पुलिस पूछताछ के लिए पंजाब लेकर आई है, जिसके बाद अब लॉरेंस से पूछताछ की जाएगी। इतना ही नहीं, लॉरेंस के खिलाफ 2010 में चंडीगढ़ और मोहाली में 3 आपराधिक मामले दर्ज किए गए थे। इन मामलों में अवैध हथियारों से हत्या के प्रयास का मामला शामिल था। लॉरेंस को अप्रैल 2010 में चंडीगढ़ में दर्ज 2 मामलों में बरी कर दिया गया था। पंजाब में सबसे ज्यादा मामले लॉरेंस के खिलाफ, सबसे ज्यादा, जी हां, 17 मामले पंजाब में हैं। इनमें से 6 मामले फाजिलका के हैं। लॉरेंस के खिलाफ मोहाली में 7, फरीदकोट में 2, अमृतसर में 1 और मुक्तसर में 1 केस दर्ज है। पंजाब में सबसे ज्यादा मामले लॉरेंस के खिलाफ, सबसे ज्यादा, जी हां, 17 मामले पंजाब में हैं। इनमें से 6 मामले फाजिलका के हैं। लॉरेंस के खिलाफ मोहाली में 7, फरीदकोट में 2, अमृतसर में 1 और मुक्तसर में 1 केस दर्ज है। अन्य राज्यों में दर्ज मामले, जी हां, आपको बता दें कि गैंगस्टर लॉरेंस के खिलाफ न सिर्फ पंजाब बल्कि पंजाब समेत 5 अलग अलग राज्यों में केस दर्ज किए गए हैं। अक्सर हम पहले चंडीगढ़ की बात करें तो इस केंद्र शासित प्रदेश पंजाब और हरियाणा में लॉरेंस के खिलाफ 7 मामले दर्ज हैं। लॉरेंस चंडीगढ़ में पंजाब विश्वविद्यालय के छात्र संघ का अध्यक्ष भी रह चुका है। लॉरेंस के खिलाफ राजस्थान में 6, दिल्ली में 4 और हरियाणा में 2 मामले दर्ज हैं। उस पर हत्या, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग, डकैती, रंगदारी और डकैती के गंभीर आरोप हैं। 10 सितंबर 2021 को जयपुर पुलिस ने लॉरेंस के खिलाफ रंगदारी और धमकी का मामला दर्ज किया था।